आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें साल के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें मैं आप सब लोगों का पहले स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री जनाब शाहनवाज साहब, यहां उपस्थित माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय उदयकांत मिश्रा जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पीएन राय जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, और यहां पर उपस्थित है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा जी। बड़ी खुशी की बात है, सबसे पहले इन्हीं को बनाया गया था और आज यहां उपस्थित है, इनके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। यहां उपस्थित प्रधान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से पधारे प्रतिनिधिगण, प्रधान वैज्ञानिक CSIR बैंगलोर के डॉक्टर केसी घोड़ा जी, उप निदेशक मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री सौरभ कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए ब्रिगेडियर पीके सिंह जी, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए श्री मेघनाथ बेहरा जी, सहायक प्राध्यापक केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड डॉक्टर किरण जालेम जी, और सभागार में उपस्थित NDRF SDRF के अधिकारीगण, कर्मीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, यहां उपस्थित छात्र छात्राएं, जीविका दीदियां, प्रशिक्षित तैराक और राजमिस्त्री गण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपदा प्रबंधन कितना आवश्यक है इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात कही। और खैर, उदयकांत मिश्रा जी तो जितना पुराना बात कर रहे थे, तो उनका रिश्ता हमारे साथ है आप लोगों को नहीं ना पता है। 1969 में ये हम और कई लोग जेल में थे। पूरे बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे, सारे लोगों ने एक साथ आंदोलन किया था, क्योंकि पहले जितने लोग इंजीनियरिंग पास करते थे उनको राज्य सरकार से नौकरी मिलती थी, और उसके बाद ये हो गया था कि सबको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसी समय 69 में हम तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, आइए तो भागलपुर में, पूरे बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आंदोलन में शामिल हुए और सब लोग आकर के पटना में गिरफ्तारी किए थे। तो वहीं पर जब हम लोग जेल के अंदर थे 69 में, तभी उनसे परिचय हुआ, समझ गए ना, तो वही समय, हालांकि हम पटना में पढ़ते थे, आज समझिए 53 साल हो गया है। इसीलिए स्वाभाविक है कि ये जितना पुराना काम किया हो सबको बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप काहे नहीं करें, आप समझ लीजिए, जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के, यहाँ पर आए हुए मुझे देख करके खुशी हुई है, अनिल कुमार सिन्हा जी, अनिल कुमार सिन्हा जी को पहला बार हम लोग यहाँ बनाए, खाली पहला बार यहां बनाए, ये जो बोल रहे
रहे थे मेरी सभा तब खाली कह रहे थे कि हम शिक्षा किसी मंत्री थे, जरा इनसे पूछिए, उसी मंत्रालय में ये थे और आपदा को लेकर के जितनी बात हुई थी इसी व्यक्ति ने एक एक चीज का अध्ययन कर दिया। सबसे पहले केंद्र सरकार में वो अधिकारी ने सबसे अधिक मेहनत किया था मेरे कार्यकाल में, तो इन्होंने किया बिहारी आप समझ लीजिए, यही के रहने वाले थे, वहां थे, अधिकारी थे और जब इन्होंने इस काम को किया और उसमें तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यही चीज था, उसमें कृषि में ही आपदा प्रबंधन नाम का कोई विभाग नहीं था, सब कुछ देखना उन्हीं को था। तो बता रहे थे जब भी हम थे और जहां जहां कुछ हुआ सब जगह जा रहे थे देख रहे थे, लेकिन सारी बात जो डिपार्टमेंट के अंदर होता था और जितने बाकी लोग थे सब लोगों ने एक एक चीज के बारे में बताया था और हम लोगों को बिहार के बारे में भी वहां के कई लोगों ने जानकारी दी थी और ये काम को देख रहे थे। बहुत अच्छा हुआ और इसको सरकार ने उस समय स्वीकार किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक आपदा प्रबंधन का अलग होना चाहिए, हम लोग कहते रहे हो जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने कमेटी बना दी, सब कुछ किया, आपदा प्रबंधन का सब काम हो गया तो उन्हीं के समय पूरा हो गया था। लेकिन था क्या कि पहले ही ड्राइंग करके चुनाव हो गया था, मतलब बाहर रह गए, दूसरे लोगों की सरकार आ गई, लेकिन जो पहले का किया हुआ काम था ये मत समझिए कि नई सरकार ने किया, पहले ही वाली सरकार थी, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें समय में जो काम हो गया था वही चीज 2005 में भी इसको लागू किया गया, उस समय 2004 तो भाई आज आप बोले हम बोल तो जरा सामने थे इनको भी बोल देते, एक एक काम को इन्होंने किया, बड़ी खुशी की बात। और जो कुछ भी यहाँ एक एक चीज को लेकर के, और चूंकि वहां हम थे और जब किसी मंत्री या उसी के सिलसिले में कई जगहों के बारे में जाना पड़ा, देखना पड़ा और उसी समय जो सब कुछ समझ में आ गया और उसके बाद हुआ कि नहीं साहब इसके लिए एक एक अलग से इंतजाम होना चाहिए, तो इंतजाम के बारे में तय हुआ बाद में 2005 में, तो यहाँ हम लोग आ गए तो उसके लिए सब जगह घूमे और उसके लिए जो कुछ भी करना था 2007 में हम लोगों ने उसको यहीं पर कमेटी बना दिया, देर कर रहा था, फिर अंत में तिन्ही को लाए और सब काम को तेजी से करके हम लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शुरू करा दिया और सारा उसी समय सब जगह को देखते हुए। 2007 के बारे में भी चर्चा कर रहे थे संजय झा जी कि जो उस समय हुआ था कितने राज्यों में हो गया था और उसके बाद उसके अगले साल हुआ 5 राज्यों में, तो ये सब काम करते रहे हम लोग और एक एक चीज को देखा, कहीं पर हो जाए यानी इतना ज्यादा वर्षापात के कारण स्थिति खराब हो जाए और दूसरी तरफ की सुखाड़ आ जाए, हम लोगों ने बराबर कहा कि दोनों स्थिति को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को, एक एक चीज के बारे में शुरू से ही। और इसके लिए गांधी मैदान में मीटिंग होती है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं उदय बाबू उदयकांत बाबू उदयकांत मिश्रा बाबू, आपको तो कितना बार तो आपने बहुत अच्छा काम करना है किया है। जो हमारी इच्छा थी कि छात्र छात्राओं को एक एक बात को सिखा दें और एक एक चीज को वो जब जानेगा कि क्या डिफिकल्टी है, कहां भी आप कोई फोटो दिखा रहे थे एक एक चीज को, तो जब एक एक चीज के बारे में लोगों को समझ में आ जाएगा, जानकारी मिलेगी, तो जो पुराने लोग हैं अब कितने बार बच्चे बच्चियों को जो सीख लेती है अपने घर के लोगों को बता देती है कि इसमें आप सचेत रहिए, लेकिन अभी भी सब नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी चीज है जिस समय बच के रहना चाहिए, उस समय भी लोग कई जगह हो रहे हैं तो हम लोग तो सबको मदद कर ही रहे, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है, सिर्फ आपदा पीड़ितों को सहायता देना ही काम नहीं है। हम तो जिस दिन से आपसे दिन से कहे कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का, इसको इन्होंने आपदा प्रभावित लिखवा दिया है, क्योंकि हम पीड़ित बड़े आदमी हैं,
आपका पुलिस बोलते तो उसी उसका आपका प्रभावित हम बोलते हैं सब से तो पत्रकार लोग उनको तो याद ही होगा कि हम बोलते रहे कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित हो। तो ये सोच करके हम लोग जितना सब जगह काम करते रहे और आज भी करते रहते हैं और एक एक चीज का आकलन कराते हैं, एक एक चीज का अध्ययन कराते हैं और समय के पहले बरसात आने के पहले हर साल हम मीटिंग करते हैं और एक एक चीज हर जिले के लोगों को क्या क्या करना है, 5-6 काम उनको करके तैयार रखना एक एक चीज के लिए ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब मीटिंग होती है, सब तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो लोगों को एक एक चीज के बारे में जागरूक करना वो खुद जरूरी है। अब बच्चे बच्चियों को जीविका दीजिए, हमारे जितने शिक्षक हैं सभी लोगों के लिए जरूरी है, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के हर जगह लोगों को एक एक चीज के बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप जो हम देखते हैं अब जो कार्यक्रम होता है 22 तारीख वाला बिहार दिवस के अवसर पर, तो उस दिन सबसे अच्छा कार्यक्रम तो आप ही होकर होता है। देख रहे हैं बड़ा अच्छा है, खूब अच्छा लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितना बढ़िया हो रहा है और कितना सब जगह से हो गया है और केंद्र का और राज्य का दोनों ये तरफ से लोग थे। अब केंद्र वाला तो खैर खूब मजबूत रही है, उसी तरह से हमने राज्य में भी तैयार किया है। हाँ वही एशिया है और राज्य का भी बिहार का भी, तो उनको भी उसी पैटर्न पर हम लोगों ने इनको कराया और उसमें जो केंद्र की सरकार थी उन्हीं को हमने कहा था कि भाई यहाँ पर भेजिए, तो वहां से भेजे दिल्ली से और उसके बाद यहाँ पर भी उनके रहने का भी सब इंतजाम करा दिए और उसके बाद यहाँ पर भी जो हुआ इनका भी कराया। अब तो जो हमारे SDRF है तो इनको तो हम लोग कर रहे हैं कि अब विभिन्न जगहों पर लोगों को रखा जाएगा, खाली यही नहीं और उनकी संख्या बढ़ाइए। हमने कहा कि उनकी और संख्या बढ़ा दीजिए, पूरी संख्या बढ़ाइए ताकि सब जगह लोग मौजूद रहे और कितना दोनों NDRF SDRF के लोग कितना मेहनत करते हैं साहब, लोगों को बचाते हैं किस तरह से लोग तो
ये सब तरह की बात है। तो यानी आपका एक मामले में जितना काम किया जा रहा है सब तरह से लोगों को और हर तरह से जो काम हो रहा है उसमें भी बीच बीच में आकर के जरा सहयोग।
पर आपको याद रखेंगे, जब हम थे केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष हमारे थे, जो हमने शुरू में बता दिया, जो आदमी हमने देखा कि उन्होंने कितना मेहनत किया और एक एक चीज की जानकारी रखी, तो हम कभी भूलेंगे नहीं, हमको ये सब चीज याद रखना। आप सब लोग इस काम में जुड़े हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन है और निश्चित रूप से पूरे बिहार के सब लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जरूर प्रशिक्षित कर दीजिए ताकि लोग इन सब चीजों के प्रति जागरूक रहे। वही शब्दों के साथ आप सबको आज के इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आपने आज चर्चा कर लिया कि उसमें पैसे की कमी है, आप बोल रहे थे उसी समय हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा दिया, अपने जो हमारे प्रधान सचिव और भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी है उनको कह दिया, और विजय कुमार सिन्हा जी जो कि वित्त विभाग के हैं उनको भी कह दिया है, इसको देख करके आपदा प्रबंधन को और जो जरूरत है सहयोग की, पैसे की, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।